सूरतपुर जिले में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जैसे जैसे जान बचाकर वहां से बाहर निकले, अचानक आग लगने से भवन में मौजूद कई दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं ऑटो पार्ट्स की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक भी हो गया। इस आगजनी में सबसे खास बात ये रही कि आग भवन में संचालित स्कूल तक नहीं पहुंच सकी। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। वहीं इस भीषण आग से आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है और दुकान में रखे कई जरूरी सामान जलकर खाक भी हो गए हैं। इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी। आग तो सुबह भोर में लगी है, लेकिन अब उस किससे आग लगी उसकी जानकारी नहीं है। और आग लगने से दुकान का सामान कम से कम 40-50 लाख का, जिसमें टायर था, मोबिल था और पार्ट्स का सामान और फाइबर आइटम जितने थे वो सब पूरा जल गया। उसमें कुछ भी नहीं बचा है, उस पूरा गोदाम में ही, मतलब पूरा गोदाम लग गया। उससे लगा हुआ अपना रेसिडेंस का जो था, रेसिडेंस में भी जो है पलंग उलंग सोफा और ये सब वायरिंग वायरिंग जितना है, सब मतलब घरेलू सामान सब जल चुके हैं। सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया है और वो एक्स्ट्रा जो है घर का जो सामान है वो फिर अलग 20-25 लाख का वो एक्स्ट्रा है। लगभग लगभग 70-80 लाख का नुकसान मौका पे दिख रहा है। बच्चों का प्ले स्कूल लगता था वो घर के पीछे तरफ जो अलग बिल्डिंग है उसमें चलता था, उधर किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, उधर सही है।